देखिए, मैं हिमाचल में हूँ, हिमाचल की राजधानी शिमला में हूँ। पूरा भाषण सुना इस उम्मीद के साथ कि कल जो सवाल उनसे पूछे गए थे कि क्या सिलेंडर के दाम, उज्ज्वला योजना के तहत मिले सिलेंडर के दाम जो 1100 पहुँच गए हैं, वो कम होंगे या नहीं, हाँ या ना, स्मृति ईरानी जवाब दो। कोई जवाब नहीं दिया। क्या बंद हुई सब्सिडियाँ खातों में वापस डाली जाएंगी या नहीं, स्मृति ईरानी जवाब दो। बिना जवाब दिए खोखले भाषण देकर, एक तरफा बात कर वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई। जिस रामपुर में खड़ी होकर वो बोल रही थी, वहाँ पर सभा में देखा जो सेब बागवानी का हमारा वहाँ किसान था, वो भी इस उम्मीद से आया था कि एक पूंजीपति मित्रों के हाथ में पूरे हिमाचल के सेब जो बागवानी कर रहे हैं उनको पूरी तरह से जैसे गिरवी रख दिया गया। शायद इस पर कुछ बात करेंगी कि कीमत जो 60 रुपये किलो सेब यहाँ से खरीदा जा रहा है, वो दिल्ली में 450 रुपये किलो अडानी बेच रहा है, तो उस पर कुछ बोलेंगी। उसमें भी वो खामोश रही। बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था। सोचा इस पर बात करेंगी कि कितने रोजगार डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल के युवाओं को दिए, उस पर भी खामोश रही। हमले निजी कर रहे हैं, हमले कांग्रेस परिवार के भीतर की बातों पर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास मुद्दों पर बात करने को है ही नहीं, हिम्मत होती तो। ईरानी जी, पूरा हिमाचल ने अपना सब कुछ, अपने परिवारों का भविष्य, बच्चों का भविष्य, अपने चूल्हे तक आपको सौंपे थे, आपने ठंडे कर दिए, बेरोजगार कर दिए। बेहतर होता आप हिमाचल के उन परिवारों की चिंता करती जिन परिवारों ने आपको डबल इंजन की सरकार बनाकर सत्ता में बिठाया है, लेकिन आप उन परिवारों की चिंता ना करके आप कांग्रेस के हाथों, जैसे उपचुनाव में भारी हार हुई मंडी लोकसभा 3 विधानसभा में, उस हार को देखकर इतना बौखला गई हैं कि आपका भाषण पूरी तरह से मुद्दों पर नहीं था, सिर्फ कांग्रेस पे हमले में चला गया। मुख्यमंत्री जी का भाषण गुजर रही थी तो सुन रही थी, उनके घर के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन का जश्न था। सोचा वो जश्न में इतना मगन हो जाएंगे कि कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है जश्न से ज्यादा एक बौखलाहट थी, एक डर था कांग्रेस के हाथों हारने का। इसलिए उन्होंने आज भी भाषण में मोदी जी का नाम कम लिया और कांग्रेस के नेताओं का नाम ज्यादा लिया और ये साबित करना चाहा कि कांग्रेस में आपस में लड़ाई है, फूट है, इसलिए भाजपा जीत रही है। तो मैं बता देना चाहती हूँ, कांग्रेस का परिवार एक है, एकजुट है, एक दूसरे के साथ है, पूरे ताकत बन के हिमाचल के लोगों की समस्याओं को उठा रहा है, आपके सामने लड़ रहा है और आपकी हार आपके भाषण में आपकी बौखलाहट दिखी है। साफ कहो, अगर आपने सच में विकास किया है तो विकास बोलता है, शब्दों की, करोड़ों के विज्ञापनों की बार बार बताने की जरूरत नहीं होती है। सच्चाई यह है कि विकास हुआ नहीं। अब आप करोड़ों रुपया सरकारी विज्ञापनों का, आपकी जो पूरी अमृत महोत्सव के नाम पर सरकारी चंदों से, पैसे से, खजाने को आप चूना लगाकर अपने विज्ञापन प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जनता को मालूम है कि आप अब जितने मर्जी करोड़ों रुपए की घोषणाएं कर लीजिए, अब यहाँ करोड़ दिया जाएगा, वहाँ इतना करोड़ दिया जाएगा, वहाँ ये लोग आपके 5 साल की डबल इंजन की सरकार को देख चुके हैं, पूरी तरह से त्रस्त हैं, हताश और निराश हो चुके हैं आपसे। और अब वो हिमाचल में बदलाव के साथ साथ कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार की वापसी कर रहे हैं, ये तय हो चुका है। धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।